तो गाइस अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं उबंटू टच का यूज कर रहा हूँ अपने फोन में, और इसमें मैंने साइड बाय साइड एंड्रॉयड भी इंस्टॉल कर लिया है, और ये एंड्रॉयड इसमें एज एन ऐप वर्क कर रहा है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूँ वरदान और आप सबका फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। और गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने फोन पर उबंटू टच को इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और गाइस काफी टाइम से मैं सोच रहा था कि iOS को और एंड्रॉयड को यूज करते करते काफी बोर हो गया हूँ, क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए। तो आज मैं वही चीज आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप कैसे उसको अपने फोन पर इंस्टॉल कर सकते हैं और क्या एक्सपीरियंस रहेगा उसको इंस्टॉल करने के बाद का। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले हमें इस प्रोजेक्ट को करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। तो गाइस सबसे पहले तो ये फोन है, ये मी A2 है, तो आप कोई भी फोन यूज कर सकते हैं जो सपोर्टेड है। मैं लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा एक डाटा केबल है, और तीसरा मेरा सिस्टम है। इस सिस्टम पे मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स भी बताऊंगा जो डाउनलोड आपको करने पड़ेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने फोन को यहाँ पर ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैं सेटिंग्स में जाके यहाँ पर आपको सबसे पहले अबाउट में जाना होगा, यहाँ से बिल्ड नंबर को टैप करना होगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शंस ऑन हो गए हैं। तो मैं बैक जाऊंगा और सिस्टम पे जाऊंगा, यहाँ पर एडवांस पे जाके डेवलपर ऑप्शंस पे जाऊंगा। तो गाइस यहाँ पे आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, OEM अनलॉकिंग को ऑन कर देना है आपको, और दूसरा यहाँ पर USB डीबगिंग को भी ऑन कर देना है। और गाइस इसको ऑन करने के बाद आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको अपने फोन को फास्ट बूट मोड में लेके जाना है। फास्ट बूट मोड में लेके जाने के लिए आपको पावर की और वॉल्यूम डाउन बटन को दोनों को एक साथ प्रेस करके रखना पड़ेगा। तो गाइस अभी आप यहां पर देख सकते हैं फास्ट बूट मोड में चला गया है। और गाइस अभी हमें करना क्या है, सबसे पहले हमको इस फोन का बूट लोडर को अनलॉक करना पड़ेगा, और बूट लोडर अनलॉक करने के बाद कस्टम रिकवरी डालूंगा TWRP, और इस कस्टम रिकवरी को डालने के बाद उसमें कुछ फ्लैशिंग करेंगे, कुछ स्टफ को फ्लैश करेंगे जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, और उनको डाउनलोड करने का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। और ये चीजें फोन टू फोन वेरी करती हैं, तो अपनी डिवाइस के लिए आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमें ये फाइल्स अपने सिस्टम में डाउनलोड करनी पड़ेंगी। ये प्लेटफॉर्म टूल्स है, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको। ये recovery.img TWRP की इमेज फाइल है, TWRP की zip फाइल है, उसके बाद ये DM verify force encryption को डिसेबल करने के लिए फाइल है, और ये मिनिमल ADB फाइल है जिसके थ्रू आप ड्राइवर्स को इंस्टॉल करेंगे अपने PC या लैपटॉप में। उसके बाद UV ports installer है जिसके थ्रू हम इंस्टॉल करेंगे Ubuntu Touch को अपने फोन में, और ये vendor.img फाइल है जो कि UV ports installer के थ्रू ही डाउनलोड होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो गाइस सारी फाइल्स का डाउनलोड लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम मिनिमल ADB सेटअप को ओपन करते हैं, यस कर देते हैं। यहाँ पे बोल रहा है इसको इंस्टॉल करना है, तो यस कर देते हैं, यस कर देते हैं। तो गाइस ये फाइल्स डाउनलोड हो गई हैं। डिवाइस ड्राइवर्स को भी हम यस कर देते हैं। ये वाला प्रोसेस हमारा हो गया है, तो इसको हम साइड कर देते हैं फाइल को। उसके बाद हम प्लेटफॉर्म टूल्स को ओपन करेंगे, अपने बूट लोडर को अनलॉक करते हैं। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे, इस फोल्डर के अंदर जाना है हमें जहाँ पे फाइल्स हैं, यहाँ पे हमें टाइप करना है CMD, एंटर कर देना है। तो गाइस यहाँ पे हमें फास्ट बूट कमांड्स देनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फास्ट बूट स्पेस फ्लैशिंग अनलॉक, इससे हमारा फास्ट हमारा जो बूट लोडर है वो अनलॉक होगा, एंटर कर देते हैं। तो गाइस अभी आप यहां पर फोन पर देख सकते हैं, यहां पे अनलॉक द बूट लोडर की स्क्रीन आ रही है। तो यहां पे मैं वॉल्यूम डाउन करके सिलेक्ट कर लेता हूं अनलॉक द बूट लोडर को, तो अभी यहां पर फोन जो है वो रिस्टार्ट होगा। और गाइस मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ,
इस प्रोसेस में जो आपका डाटा है वो सारा डिलीट हो जाएगा। तो अभी मैं फिर से इसको फास्ट बूट मोड में लेके जाता हूं, पावर बटन और वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके। और गाइस ये फिर से फास्ट बूट मोड में आ गया है, और फिर से हमें यहां पर टाइप करना होगा फास्ट बूट फ्लैशिंग क्रिटिकल नो अनलॉक अंडरस्कोर क्रिटिकल, और यहां पे फिर से एंटर कर देंगे। तो गाइस आप यहां पर देख सकते हैं फिर से लिखा आ रहा है अनलॉक द बूट लोडर। यहां मैं फिर से अनलॉक द बूट लोडर पे पावर की को प्रेस कर देता हूं। तो गाइस जो आपका डाटा है वो सारा डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को करने के लिए आप किसी ऐसे फोन का यूज करें जिसको आप डेली पर्पस के लिए यूज ना करते हो, या फिर अपना डाटा आप बैकअप भी कर सकते हैं पहले। तो गाइस चलिए फिर से इसको हम फास्ट बूट मोड में लेके जाते हैं और TWRP फाइल को इसमें इंस्टॉल करते हैं। ये फास्ट बूट में फिर से आ गया है। फिर से आने के बाद हम सिस्टम पे जाते हैं अपने, और सिस्टम पे आपको टाइप करना होगा यहां पर फास्ट बूट बूट स्पेस, और उसके बाद जो recovery.img फाइल है आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है यहां पर, और ये करने के बाद आपको एंटर कर देना है। तो अभी आप यहां पर फोन में देखेंगे जो TWRP है वो बूट होगी फाइल। और गाइस यहां पे आपको स्वाइप कर देना है, यहाँ पे वाइप पे जाना है, और यहाँ पे फॉर्मेट डाटा लिखना है, यहाँ पे यस कर देना है और एंटर कर देना है। यहाँ पे बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद एडवांस ADB साइड लोड उसको स्वाइप कर देंगे। और गाइस आपको फिर से अपने सिस्टम में यहाँ पे टाइप करना होगा ADB साइड लोड स्पेस, और जो हमारी TWRP की zip फाइल है आपको उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहां पर, और फिर से एंटर कर देंगे। ये दूसरी फाइल ओपन हो गई है, तो यहां पे जाके इसको एंटर कर देंगे। तो अभी यहां पे प्रोसेस हो रहा है। तो गाइस ये प्रोसेस यहाँ पर हो गया है, यहाँ पे बैक करेंगे फिर से, यहाँ पे फिर से वाइप में जाएंगे और फॉर्मेट डाटा करेंगे, यस टाइप करके एंटर कर देंगे। तो गाइस बैक करेंगे, बैक करने के बाद यहाँ पर रीबूट पर जाएंगे और यहाँ पर रिकवरी चूज करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं रिकवरी में ही बूट हुआ है। फिर से उसको हम स्वाइप करेंगे यहां से, और अभी हम देख सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसमें ये इसका इंटरनल स्टोरेज डिवाइस का शो होगा, यहां पर इंटरनल स्टोरेज शो हो रहा है। इसको हम ओपन करेंगे, और यहां पर जो DM वेरीफाई वाली जो हमारी फाइल है, ये DM वेरीफाई वाली जो फाइल है इसको यहां पे कॉपी कर देंगे। वैसे कॉपी हो गई है, इसको क्लोज कर देंगे यहां से। फिर यहां पर फोन में इंस्टॉल पर जाएंगे और डिसेबल DM वेरीफाई एनक्रिप्शन को स्लाइड कर देंगे। तो गाइस यहां पर अब बैक करेंगे, बैक करने के बाद यहां पर रीबूट करेंगे, और रीबूट में यहां पर इस बार सेलेक्ट करेंगे
बूट लोडर जो अभी फिर से फास्ट बूट मोड में चला जाएगा। अभी आप यहां पर देख सकते हैं, अब फोन को रख देते हैं हम। फोन को रखने के बाद हम अपने सिस्टम पर जाएंगे। सिस्टम पर जाने के बाद आपको यहां पर यूवी पोर्ट्स इंस्टॉलर को ओपन करना है। तो यहां पे थोड़ा प्रोसेस होता है, तो अभी यहां पे डिवाइस को सिलेक्ट करते हैं। यहां पे ये डिवाइस अनसपोर्टेड दिखा रहा है, तो यहां पे सिलेक्ट करते हैं मैन्युअली डिवाइस को। यहां पे मैं अपने फोन को सिलेक्ट कर लेता हूं, मेरा मी ए टू है, इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट गाइस, यहां पे ओके कर देते हैं। और गाइस यहां पे ओएस उबंटू टच सिलेक्ट कर लेना है और इंस्टॉल पे प्रेस कर देना है। और गाइस यहां पर चैनल सिलेक्ट करना है स्टेबल और इसको नेक्स्ट कर देना है। और गाइस क्योंकि मैंने अपने फोन में vendor.img फाइल ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है जो कि यूबी पोर्ट इंस्टॉलर के थ्रू ही डाउनलोड हुई है, तो इसलिए ये फिर से इस फाइल को डाउनलोड नहीं करेगा और डायरेक्ट प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। लेकिन आपके केस में ये फाइल डाउनलोड होगी। यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी फास्ट बूट मोड में हैं, हम बूट लोडर मोड में ही हैं, तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लैशिंग फर्मवेयर लिखा रहा है यहाँ पे, तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। तो गाइस अभी ये प्रोसेस हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा रहा है रिबूट टू रिकवरी। तो उसके लिए मुझे रिकवरी में जाने के लिए आप देख सकते हैं लिखा है होल्ड डाउन बटन, होल्ड डाउन पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन। तो गाइस वॉल्यूम अप और पावर बटन को मैं प्रेस करके रखता हूँ यहाँ पे। तो ये फोन रिबूट हुआ है, रिलीज कर देते हैं दोनों बटन्स को। तो अभी आप यहां पर देख सकते हैं जो मेरा फोन है वो रिकवरी मोड में आ गया है, और ये रिकवरी में रिबूट करने के लिए बोल रहा था, रिकवरी में आ गया है। तो यहां पे मैं कंटिन्यू कर देता हूं। अभी यहां पे थोड़ा प्रोसेस और चलेगा। अभी यहां पर उबंटू टच फाइल्स मेरे फोन में सेंड हो रही हैं। और गाइस मेरा फोन रिबूट हो गया है और ये यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पे रिजल्ट भी आ गया है, नीचे लिखा भी है उबंटू टच सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। और गाइस मेरा फोन रिबूट हुआ है अभी। फिर से रिबूट हुआ है। तो भी आप यहां पर देख सकते हैं उबंटू टच मेरे फोन में इंस्टॉल हो गया है। तो चलिए अब इस प्रोसेस को कर लेते हैं। तो चलिए यहां पर लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं, सिम कार्ड नहीं है स्किप कर देते हैं। और यहां पर मैं डेली टाइप करता हूं। यहाँ पर नो लॉक कोड सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। तो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी होम स्क्रीन आ गई है। यहाँ पर ये कुछ जेस्चर्स वक्त बता रहा है मुझे, इसका नोटिफिकेशन सेंटर है और यहाँ पे स्वाइप करते हैं, यहाँ पे इसका लॉन्चर आ जाता है। तो गाइस ये है उबंटू टच, यहाँ पे इसका ये लॉन्चर है। लॉन्चर यहाँ से आप कुछ एप्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका ऐप स्टोर है ये। तो क्योंकि अभी मैं ऑफलाइन हूँ यहाँ पे इसमें एप्स शो नहीं हो रही हैं। और यहाँ से मैं अगर स्वाइप करता हूँ तो यहाँ पे आप इसका टास्क मैनेजर भी देख सकते हैं, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं आप एप्स को। और यहाँ से ये इसका नोटिफिकेशन सेंटर ओपन हो जाता है, काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ऑप्शंस हैं। और जो गाइस
हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, जैसे एंड्रॉयड हो गया या iOS हो गया, आप उससे कुछ हटके अलग मजा लेना चाहते हैं किसी OS का, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसमें आपकी सिम वगैरह भी सारी चलती हैं। और गाइस सबसे बड़ी बात है, एक ओपन सोर्स OS है जो कि Ubuntu पे बेस्ड है, और इसमें आप PC की सारी एप्स वगैरह रन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसमें एंड्रॉयड भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि Ubuntu टच में अंदर वर्क करेगा। और गाइस कुछ मैं आपको इसकी सेटिंग्स वगैरह भी दिखा देता हूं। और गाइस इसका जो सिस्टम होता है वो फुल्ली ओपन होता है, तो आप इसके सिस्टम में कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं, हर चीज की मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। तो ये सेटिंग्स हैं इसकी कुछ, यहां से आप बैकग्राउंड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। बैक कर देते हैं। और गाइस चलिए अब प्रोसेस देखते हैं कि इसमें आपको एंड्रॉइड कैसे इंस्टॉल करना है। सबसे पहले मैं अपने वाईफाई को यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस मेरा वाईफाई यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। इसको कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे स्टोर में जाना है, और ये यहाँ पे काफी सारी एप्स हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपको यूजफुल लगे। और चलिए इसमें हमें एंड्रॉइड इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ वेड्रॉइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेड्रॉइड हेल्पर लिखा रहा है, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इंस्टॉलेशन इसका हो गया है, इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं। बैक करते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं बाहर, और यहाँ पे वेड्रॉइड हेल्पर पे क्लिक करते हैं। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए लिख रहा है, उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं, यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं मेरा वेड्रॉइड इंस्टॉल होने के बाद फोन रीबूट हो गया है। तो चलिए यहाँ पर एंड्रॉइड अब ओपन करते हैं। तो मैं यहाँ पे वेड्रॉइड पर ओपन करता हूँ वेड्रॉइड को। तो गाइस जैसा कि आप लोग अभी देख सकते हैं ये एंड्रॉइड मेरे में इंस्टॉल हो गया है, और आप अभी यहाँ पर देखेंगे ये एज एन ऐप वर्क कर रहा है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, और यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह भी इसकी अपनी पर्सनल है। और यहाँ पे इसका ये नोटिफिकेशन सेंटर हो गया, यहाँ से बैक कर सकते हैं। और अगर आपको फिर से Ubuntu टच में जाना है तो अब यहाँ से कोई अदर ऐप को सिलेक्ट करके जा सकते हैं। जो एंड्रॉयड वाली एप्स हैं वो यहाँ पे भी आ जाएंगी, आप यहाँ से यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं उनको। ब्राउजर आपके अंदर यहाँ पे आई गया है, ब्राउजर से APK डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं जो Ubuntu टच है वो काफी ज्यादा पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके अंदर आप एंड्रॉइड को इंस्टॉल कर सकते हैं और सारी एप्स APKs रन कर सकते हैं, और साइड में आप Ubuntu टच वाले एप्स को तो डाउनलोड कर ही सकते हैं जो यहाँ पे ऐप स्टोर में अवेलेबल होती है, और उसमें सिम वगैरह भी सारी वर्क कर रही है। तो गाइस अगर आप कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं iOS से या फिर Android से, आप काफी ज्यादा बोर हो चुके हैं, तो आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। और जितनी भी सपोर्टेड डिवाइसेस हैं उसके लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप देख सकते हैं कि आपका फोन ये Ubuntu टच को सपोर्ट करता है या नहीं करता है।